हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ख़ास है। मैं आज बना रही हूँ चिकन दिल कलेजी पोटा। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है और जब भी बनती है ऐसे ख़त्म हो जाती, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ मैंने एक्चुअली 2 किलो के करीब मैंने दिल कलेजी और पोटा लिया है। पूरा क्वान्टिटी आप 2 किलो की रखिएगा। और इसको आपको मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। अक्सर लोग खारे नहीं होते बिकॉज इसमें स्मेल आती है, तो आपको क्लीन करने का सही तरीका आपको समझाऊंगी मैं कि किस तरह से। इसको मैंने 2 पानी से धो लिया था और मैंने जो क्लीन भी कर दिया था, लेकिन एक मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कट करके कि किस तरह से मैंने क्लीन किया है। तो आप उसी तरीके से कीजिएगा ये तमाम दिल को, और कलेजी को भी मैंने वॉश कर लिया था। और जो पोटा है ना, इसको भी आपने बहुत अच्छे से, बिकॉज इसमें येलो ग्रीसी सी होती है, वो आपने निकालनी होती है बहुत अच्छे से, बिकॉज शॉप निकालते ही नहीं है, उनको बस बेचना होता है, तो आपने इसका ख्याल रखना है। तो ये देखिए, इसमें जो छिरी इसमें भी आती है, बिल्कुल पतली सी चिकनी, बहुत चिकनी सी होती है, वो निकालनी है आपने ज़रूरी। और देखिए ब्लड है ना, ये जमा हुआ ब्लड, ब्लड क्लॉट जिसको कहते हैं, ये भी आपने ज़रूर निकालनी है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, नस के साथ होती है, इसको नस को भी निकालनी है और ये भी निकालनी है। मोटी सी नस, जो मोटी सी वेन कह सकते हैं उसको, वो निकालनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये निकालेंगे, अच्छे से आप क्लीन करें इसको। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, इतना इसमें कचरा निकला था, ये देखिए, ये मैंने जो हार्ट है इसको मैंने साफ़ किया है, और ये मज़ीद साफ़ होगा, वो आपको मैं इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। ये देखिए, ये कचरा सारा निकला था पोटा और दिल में से, तो ये देखिए ये जमा हुआ ब्लड है जो निकलता है। और ये जो वाइट है ये पोटा में से निकला, ये जो फैट होता ना वो आपको मैं दिखाऊंगी कहाँ मिलेगा। ये देखिए, ये इसमें ये येलो शॉप ना क्लीन नहीं करते, तो आपने इसको बहुत अच्छे से क्लीन करना है, बिल्कुल साफ़। और ये ऊपर की जो झिरी होती है, ये चिकनी फैट जिसको कहते हैं चर्बी, ये निकालनी भी आपने ज़रूरी है, बिकॉज इसमें स्मेल होती है। तो ये अगर आप निकालेंगे ना तो फिर इसकी स्मेल भी कम हो जाएगी। चलिए, ये कलेजी भी है यहाँ पे, ये कलेजी कम से कम 1 किलो के करीब है, और 1 किलो पोटा है, और दिल कलेजी के साथ होता है, तो आप टोटल ये 2 किलो के करीब है। इसको अच्छे से आपने वॉश करना है 2 पानी से पहले। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपने क्या ऐड करना है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक ले लिया था, ये ऐड किया है। उसके साथ 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करूंगी। इसके अंदर पोटा और दिल डाला है, जिसको मैं अभी इसको अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। 5 मिनट्स के लिए इसको मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ, और फिर 5 टाइम्स इसको अच्छे से आपने धो लेना है 5 मिनट बाद। चलिए, कलेजी में भी आपने इसी तरीके से करना है। कलेजी मैंने इस बर्तन में रखा है, बिकॉज ये खुला बर्तन है ना, तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ मैंने जो वॉश किया था पोटा और दिल को, ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इसमें मैंने ऐड कर दिया हल्दी। हल्दी आपने देखें 1 टेबलस्पून डाल दें, और 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन पिसा हुआ ऐड करना है इसके अंदर, और इसको इतना अच्छे तरीके से मिक्स करें, बहुत अच्छे तरीके से। और फिर आपने इसको रख देना है 25 मिनट के लिए मैरिनेट करके। मैंने इसी बर्तन में चढ़ाऊंगी, तो इसी वजह से मैंने इसी में कर दिया, वरना आप अलग से भी कर सकते हैं किसी कंटेनर में। तो चलिए जी, तो अब 25 मिनट हो गए, अब मैं इसको चूल्हे पे रख रही हूँ। आप इसको कवर कर दें और मीडियम फ्लेम पे रखना है, लो पे नहीं रखना, बट मीडियम फ्लेम पे रखना है 5 मिनट। और फिर आपने कवर हटा देना, चेक करना है कि पानी कितना स्टॉक आया है ना, तो वो आपने इसको डिस्कार्ड करना है। तो आप ये देखिए कितना पानी आया है ना, रिलीज़ हुआ है, तो ये गंदा पानी है, और इसी में इसी का स्मेल से मतलब इसको निकल जाएगा स्मेल ना। चलिए जी, तो ये देखिए मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया था पानी को, और इसको मैंने 2 दफ़ा फिर धो लिया, और धो के मैंने इसको आप इसको कट कर रही हूँ। कटिंग आपको बता देते हैं कि किस तरह से आपने कट करना है। ये कलेजी है,
कलेजी थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन क्या होता है कि ये बहुत सॉफ्ट होती है। हल्का सा इसको हमने बहुत इजी वे में, स्पून जब आप चलाते हैं पैन में तो बहुत हल्के हाथ से आपने भूनना होता है, तो आपने बस इसको मोटा मोटा करना, बिकॉज़ ये खुद टूट भी जाता है, तो आपने इसको थोड़ा मोटा काटना है। पोटा एक्चुअली, और पोटा जो है ना थोड़ा सा हार्ड होता है, क्रंची सा होता है, तो इसको हम थोड़ा, और टाइम लेता है पकने में, तो मैं इसको थोड़ा फाइन कटिंग करूँगी, ताकि ये मुँह में जब एक एक बोटी ये जो पोटा आता है ना, तो ये रोटी में इतना ज़बरदस्त लगता है ना, भुना भुना सा। मैं तो भुना हुआ बना रही हूँ, ये ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मज़ेदार है। आप लोग रियली इन्जॉय करेंगे इसको, ज़रूर आप बनाइए। इस तरह से आप कट कर लीजिए, देखिए छोटे छोटे पीसेस क्यूब्स की शक्ल में। तो ये मैंने तमाम पोटा जो है ये सब मैंने कट कर लिया था। चलिए, दिल की भी आपने सिर्फ दो दो पीसेस करने हैं, ये बिल्कुल क्लीन है, ये देखिए ये नस है, देखें इस, ये जब बॉईल हो जाता है ना तो ये काफ़ी नज़र आ जाते हैं, विजिबल हो जाता है, तो ये आपने हटा देने फ़ौरन के, दो दो पीसेस कर दें। जी, तो ये रेडी हो गया है। अब मैंने सबसे पहले इसमें ऐड किया है पोटा और दिल। ये देखिए, मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने छोटे साइज़ में काट लिया है, इसको मैं पहले बिछा दूँगी। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन पेस्ट ले लिया है, ये ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके साथ मैंने 5 के 6 हरी मिर्चें हैं मोटी वाली, उसको आपने डालना है, और 1.5 गिलास के करीब पानी है, ये 1.5 मग। इसको मिक्स कर लीजिए, इसमें नमक ऐड नहीं करना है अभी। चलिए, हम इसको चढ़ा रहे हैं चूल्हे पे। मसाले आपको दिखा देते हैं, मसाले कुछ इस तरह से, हल्दी मैंने 1 टीस्पून ले ली है, इसके साथ मैंने ये ज़ीरा ले लिया, कुटा हुआ ज़ीरा है ये, 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने ले लिया है धनिया पिसा हुआ, नमक ले लिया है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है, और कुटी हुई लाल मिर्च है ये 1.5 टीस्पून, ये आपके ऊपर है मसाले, और ये मैंने 1/2 टीस्पून ले लिया है कुटी हुई काली मिर्च। ये मसाले प्लीज़ आप अपने हिसाब से रखिएगा, जैसे आपको मतलब टेस्ट लेते हैं तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं, कम करते हैं तो लाल मिर्च को आप कम कर दें। दही मैंने ले लिया था 150 ग्राम, ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, तीन तीन मीडियम तो नहीं, लार्ज ही हैं, मगर ये थोड़े बड़े हैं मीडियम से, 3 से 4 आप ले लीजिएगा टमाटर लार्ज। चलिए जी, टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ, इसको आपने छोटे क्यूब्स में काट लेना है, बिकॉज़ इसका जो पानी था बिल्कुल ड्राई हो गया था, बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया था। अब ये आप देख सकते हैं टमाटर जो है थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, यहाँ मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, ये मज़ीद टमाटर सॉफ्ट होंगे। जितने आप टमाटर देखिए, जितना आप डालेंगे तो वो बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं दही भी यूज़ कर रही हूँ 150 से 200 ग्राम्स, तो वो मुझे देखना, ध्यान में रखना है कि ज़्यादा खट्टा भी ना हो जाए। यहाँ मैंने ऑयल ऐड किया है 1 कप, उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून के करीब घी, से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, बिकॉज़ मैं ज़्यादा, बिकॉज़ ये ऑलरेडी बहुत हैवी है दिल के लीजिए, तो इसको थोड़ा सा अपने सॉफ्ट रखने के लिए ऑयल को भी थोड़ा सा अपने वैसे रखना है, तो बस आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मैंने इसको कम से कम 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था, अब मैंने इसमें दही भी ऐड किया है,
इसको मज़ीद 5 मिनट और भूनूंगी मैं। इसमें मैंने नमक ऐड किया है 1/2 टीस्पून, बिकॉज थोड़ा सा नमक कम लग रहा था मुझे। तो आप देख सकते हैं ऑयल आना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे कलेजी। पाँच से सात मिनट आप उस कलेजी को इसी तरीके से खुले उसमें आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है मसाले में। यकीन करें ये इतना मज़ेदार रेसिपी है ना, आपकी सोच है। भुनी भुनी सी और नान के साथ, चपाती के साथ ये आप खाइए। देखिए 5 मिनट मैंने इसको रखा था, उसके बाद मैंने इस पर कसूरी मेथी ऐड की है 1.5 टीस्पून। और इसको मैंने 10 मिनट के लिए बंद करके कवर करके रख दिया था। अब यहाँ ये बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला। इसके साथ मैंने हरा मसाला ऐड किया, धनिया, उसके हरी मिर्चें ऐड की हैं मोटी वाली 3 से 4, और अदरक जुलियन कट। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। ध्यान रखिए कि कलेजी टूट सकती है, तो आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था, ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ प्लेटर में। ये बहुत मज़ेदार बनी है रेसिपी, रियली आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीकेंड पे आप बनाएं, सुबह के नाश्ते के लिए बनाएं। आप ये कटिंग तो आप ना रात को भी कर सकते हैं, एक दिन पहले करके रखते हैं और अगले दिन का प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, बिकॉज ये कटिंग में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है और क्लीनिंग में और इस तरह से ना। तो ये इस तरह से ही आप बनाइए। उम्मीद करती हूँ आज की व्लॉग आपको अच्छी लगी है, और ये ज़रूर आप डिश बनाइएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड को शेयर भी करें और बहुत इन्जॉय कीजिएगा। और प्लीज़ मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ताकि मेरे व्यूज़ भी बढ़े और यू नो वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो जाए ना, तो वो थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा वो मिल जाता है। चलिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे।